हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 11 और हम अब पहुंच चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन होस्ट राइट इससे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ चुके हैं राइट आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग करते हैं उसके बाद हम ट्रीटमेंट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने करी थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें से हमें अपने लेंथ के हिसाब से हम डीएनए को अलग कर सकते हैं अगर वो लेंथ कम है तो हम उसे पीसीआर से इंक्रीज कर सकते हैं हमने अपने क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली कि क्या उसमें होना चाहिए तभी हम उसको एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए राइट सो so, अब हमारा जो है एक बात हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही पढ़ ली थी कि जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो भी हमारा वेक्टर का डीएनए है या प्लाज्मिक का डीएनए जिसे हम वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे हम दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब हमने दोनों को ट्रीट कर लिया अब हम लाइगेस की हेल्प से हम दोनों को कंबाइन करेंगे और इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे रिकॉम्बिनेंट का मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से है एक तो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस डीएनए पे हम काम करना चाहते थे या तो हम उस डीएनए का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं या उस डीएनए का जीन एक्सप्रेशन कराना चाहते हैं तो हमारा पर्पज क्लोनिंग भी हो सकता है या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन भी हो सकता है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम वेक्टर के अंदर डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे सो so, अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है जिसको हम एक्सप्रेशन के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट के अंदर राइट अब हमारा जो होस्ट है वो या तो हमारा बैक्टीरिया हो सकता है या हमारा एनिमल सेल हो सकता है या हमारा प्लांट सेल हो सकता है सो so, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको तीन टाइप्स के इंडिविजुअल्स लिए हैं बैक्टीरिया एनिमल सेल और प्लांट सेल तो अगर हमें बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है तो हम यूज करेंगे हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट में में नाम से समझ में आ रहा है कि हम एक बारी हाई टेम्परेचर देंगे फिर लो टेम्परेचर देंगे ठीक है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले हमें होस्ट सेल को क्या करना होगा कॉम्पिटेंट बनाना होगा सो so, हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाएंगे हम इसे कैल्शियम से ट्रीट कर देंगे कैल्शियम डाइवलेंट आयन से अब ये हमारी होस्ट सेल जो है सी ए टू प्लस आयन इसके आसपास आ गए हैं अब हमने इस होस्ट सेल को किस मीडियम में रखा है हमने इसे रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में सो so, ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब हम इस होस्ट सेल को देंगे लो टेम्परेचर यानी हम इसे रखेंगे आइस में फिर हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे 42 डिग्री सेल्सियस फिर हम आइस में कन्वर्ट इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स बन जाएंगे और जब आपके मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाएंगे तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाहर है वो इस होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा सो so, ये है आपका हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट जिसमें हम पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं कैल्शियम आयंस दे के अब क्या होगा कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है तो अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मेमब्रेन पॉजिटिवली चार्ज है अब ये नेगेटिव इसके आसपास आके लग जाएगा अब हम इस केस में पहले आइस से ट्रीट करेंगे फिर हाई टेम्परेचर फिर लो टेम्परेचर बाई गिविंग आइस और दिस विल क्रिएट स्पोर इन द मेम्ब्रेन अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर इंसर्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा एनिमल सेल में इंसर्ट करना है तो कैसे करें इसमें हम बात करते हैं माइक्रो इंजेक्शन की माइक्रो इंजेक्शन मतलब ये साइज में छोटा होता है इसलिए हम इसका नाम ले रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन और इंजेक्शन में हम कंटेंट्स ले लेंगे क्या लेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेंगे और उसे हम डायरेक्टली एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर देंगे सो so, अगर स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन आए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल में कैसे इंसर्ट करना है तो आंसर होगा माइक्रो इंजेक्शन लास्ट प्रोसेस है कि अगर प्लांट सेल में आपको इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करोगे तो ये आप करोगे बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन से इसमें क्या होता है गन में गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन एलिमेंट के पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोट करा जाता है और फिर ये प्लांट पर स्ट्राइक करी जाती है जीन गन जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर सेंड कर देती है डिटेल्स आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है बस ये पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे इंट्रोड्यूस करा जाता है तो जीन गन जिसमें गोल्ड और टंगस्टन को कोट करा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इसको स्ट्राइक करा जाता है फिर प्लांट पर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर इंसर्ट हो जाता है तो टिल नाउ हमने यह पढ़ लिया है कि होस्ट के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है अब हमें यह देखना है कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था या नहीं बना था हमें रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करना है और जब ये इकोलाई e. के अंदर जाएगा तो बेसिकली इस प्रोसेस का डिटेल आपकी बुक में है कि अगर हम बैक्टीरिया में इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगी राइट right? वो चेंज होगा और जो इकोलाई e. के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा तो वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा तो हम कैसे ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचाने कैसे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करें दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आई होप यू हैव लाइक्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर टिल नाउ प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that it can help out them also. Wish you happy learning. Thank you.